गाजीपुर तथा आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक आई तेज आंधी और बारिश से कई पेड़ रास्तों में गिर गए, तो वहीं काशीपुर के कई स्थानों पर विद्युत के पोल भी गिर गए, जिससे विभाग को काफी नुकसान हुआ है। बता दी कि काशीपुर में शुक्रवार को आई तेज आंधी ने काफी नुकसान किया है, जिससे मानपुर रोड सहित कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करीब 40 विद्युत के पोल गिर गए, जिससे कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति बंद रही। वहीं विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए खराब विद्युत आपूर्ति को सुचारू करना शुरू कर दिया, जिस पर अभी भी कार्य किया जा रहा है। तेज आंधी और बारिश से हुए नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विजय कुमार ने बताया कि हवा का प्रभाव तेज होने से विद्युत पोल गिरे हैं और विद्युत आपूर्ति सही होने के बाद ही नुकसान का आकलन पता चल पाएगा। लगभग 2:30 बजे बहुत तेज साइक्लोन उस क्षेत्र में आया है, और जिससे कि काफ़ी पेड़ लाइन पे गिरे और हमारे विद्युत के जो पोल हैं और लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, और उसमें लगातार कार्रवाई करते हुए हमारे जो स्टाफ है, अधिकारी जो जई हैं, उन्होंने लगभग 10:30 बजे अधिकतम सप्लाई जो है वो सुचारू कर ली गई थी। कुछ जो शेष है उसको अभी कार्य चल रहा है उसमें। नहीं देखिए, पोल तो ठीक है, उसमें एक्चुअली मैंने आपको दिखाया वीडियो, जो साइक्लोन था बहुत तेज़ था, जिसमें पेड़ गिरे और काफ़ी उसमें जो हवा थी काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से पेड़ गिरने से और जो पोल गिरे हैं वो एक साथ जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो ऐसा अनुमानित। देखिए, फाइनेंशियल आकलन अभी नहीं किया गया है, अभी तो जो पूरा स्टाफ है वो सुचारू विद्युत को जो सुचारू करने में लगा हुआ है, और लगभग जो डिवीजन के अंदर हैं 30 से 40 पोल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं।